हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आसमान से आफत आई है। कुल्लू में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। बादल फटने की घटना सोमवार सुबह तकरीबन 3 बजे की बताई जा रही है। यह हादसा कयास गांव में हुआ है। घटना में कई वाहन बह गए, जिससे सड़क भी ब्लॉक हो गई है। ये जानकारी राज्य आपातकालीन प्रक्रिया केंद्र ने दी है। अधिकारियों ने बताया है कि मृतक की पहचान कर ली गई है और घायल युवकों में से 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। DSP मुख्यालय राजेश ठाकुर ने कहा है कि सोमवार को बारिश से संबंधित घटना में 3 लोग घायल हुए और 9 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। अधिकारियों ने कहा है कि स्थानीय अधिकारियों ने आपातकालीन स्थिति पर तुरंत कार्यवाही की और सड़क पर बचाव कामों में बाधा उत्पन्न करने वाली सभी चीज़ों को हटाने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई। स्थानीय मौसम कार्यालय ने सोमवार को राज्य के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के चलते चेतावनी भी दी थी और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। पिछले हफ्ते जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बारिश ने पहाड़ी राज्यों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसमें बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आई है। बता दें कि राज्य में अब तक 108 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर भारत के सभी प्रभावित राज्यों में हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र के अनुसार 24 जून को मॉनसून की शुरुआत के बाद राज्य में बारिश से संबंधित घटनाएं बढ़ती ही चली गईं और अब तक इसमें 118 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।